तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था इफ एल्स, है ना, जिसमें हम लोगों ने देखा था कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, और एक प्रोग्राम भी लिखा था जिसमें इवन एंड ऑड, मतलब यूजर से इनपुट कराया और चेक किया कि वो नंबर इवन है या ऑड है। तो इस तरह से करके हम लोगों ने वो चीज़ चेक किया था। तो अगर देखा जाए तो आज हम लोग फिर से एक प्रोग्राम देखते हैं, और मतलब दो तीन प्रोग्राम हम लोग देखेंगे जिसमें हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे कि जो नंबर है वो नंबर हमारा किस तरह से काम करता है, मतलब कितने कंडीशनल स्टेटमेंट है, तो वो सब हम लोग देखते हैं इसमें। तो जैसे ये इवन का एक प्रोग्राम देखा था, तो ऑड एंड इवन का देखा था, तो हमने यूजर से इनपुट कराया था नंबर, ठीक है, और नंबर चेक किया था कि वो नंबर डिविजिबल बाई टू है। अगर है मीन्स रिमाइंडर 0 आता है, तो इसका मतलब वो नंबर क्या है हमारा, इवेन है, नहीं तो वो ठीक है। नंबर ऑड है। लेकिन अगर इस प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है, पाइथन पाइथन, और इस फाइल को मैंने रखा हुआ है इफ एल्स और इवेन ऑड। अब यहाँ पे कह रहा है इंटर नंबर, मान लो मैं करता हूँ 5, तो 5 जब इनपुट किया तो क्या कर, 5 इज ऑड नंबर, ठीक है, 5 ऑड नंबर है, क्योंकि 5 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता है, तो 1 आया, इसका मतलब ऑड है। अगर मैं वापस से इसको रन करता हूँ और इनपुट करता हूँ, मान लो 8 इनपुट करते हैं, तो ये क्या हो गया, इवेन नंबर हो गया, है ना। लेकिन अगर इसी में अगर हम लोग रन करते हैं और यहाँ पे देते हैं 0, तो 0 क्या आ गया, 0 आ गया इवन नंबर, जबकि 0 इवन नंबर नहीं होता है। 0 क्या होता है, ना इवन होगा ना ऑड होगा। तो उस केस में हम यहाँ पे एक और कंडीशन ऐड कर सकते हैं कि जो नंबर है, इफ नम डबल इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ सबसे पहले चेक करना होगा कि नॉट इक्वल्स टू 0, 0 के इक्वल नहीं है, है ना, 0 के इक्वल नहीं है, तो फिर जाओ तब उसको चेक करो कि वो मेरा ऑड है या फिर इवेन है। अगर अगर वो 0 होता है, एल्स एल्स इट मीन्स वो 0 है, 0 है, तो यहाँ पे हम यूजर को मैसेज दे सकते हैं प्रिंट प्लीज प्लीज एंटर ए नंबर अदर देन 0, है ना, अदर देन क्या करो, 0 के अलावा जो कोई दूसरा नंबर है वो नंबर इनपुट कर, इस तरह से मैसेज दे सकते हैं। अब अगर इस प्रोग्राम को रन करते हैं, तो देखो यहाँ से नंबर पूछा, अगर मान लो मैं 0 देता हूँ, है ना, तो क्या प्लीज इंटर नंबर अदर देन 0, ठीक है। अब मैं इसको देता हूँ मान लो 8 देता हूँ, तो फिर क्या है, नंबर इज इवन। अगर वापस से रन करता हूँ, अगर मैं 45 देता हूँ, तो नंबर इज ऑड। तो इस तरह से करके हम लोग अपने प्रोग्राम को थोड़ा और इंटरेक्टिव बना सकते हैं, मतलब यूजर फ्रेंडली, कि यूजर से इनपुट कराएं उसी हिसाब से ये करें। तो फिर एक दूसरा प्रोग्राम देखते हैं हम लोग, क्या करते हैं कि यूजर से इनपुट कराते हैं, 3 नंबर इनपुट कराते हैं, और उसमें चेक करेंगे कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे मान लो एक फाइल मैं इसमें क्रिएट करता हूँ, उसके लिए मैक्स मान लो देता हूँ, मैक्स नंबर डॉट पी वाई। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं यहाँ, हम लोग करने जा रहे हैं कि यूजर से हम लोग क्या करेंगे, 3 नंबर इनपुट कराएंगे, ठीक है, 3 नंबर इनपुट कराएंगे, और उससे हम लोग पूछेंगे कि वो नंबर, उसमें से फिर हम यूजर को बताएंगे कि मैक्सिमम नंबर, मतलब सबसे बड़ा नंबर कौन है उसमें से। तो एक थोड़ा डायग्राम पे देखते हैं थोड़ा सा कि यूजर से क्या करेंगे हम, सबसे पहले यूजर से हम लोग 3 नंबर इनपुट कराएंगे, तो लॉजिक क्या होता है वो देखो। अगर मान लो यूजर से 3 नंबर हमने इनपुट कराया, है ना, और लिखते हैं ए, ए में रखते हैं, ए में मान लो, ए में हमने रखा, ए में रखा यूजर ने 3 नंबर, एक ए में रखा 5, बी में रखा 2, और सी में रखा 11। तो इसमें से हम लोग बताते हैं ना कि हाँ इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन है, तो बोलते हैं सी, है ना, सी क्या है, सी में जो नंबर है वो सबसे बड़ा नंबर है। कैसे कह दिया कि सी में बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं आप उसको कंपेयर करते हो बाकी 2 नंबर से। कैसे कंपेयर करते हैं, हम लोग चेक करते हैं, जैसे मान लो कि जो सी में क्या 11, तो क्या 11 जो सी में जो वैल्यू वो बी ए में के वैल्यू से बड़ा है,
है ना। एक कंडीशन तो हम लोग ये चेक करते हैं इस दोनों नंबर में, है ना, कि ए में जो वैल्यू है और सी में जो वैल्यू, उसमें से बड़ा कौन सा है ना। तो अगर ए और सी में वैल्यू चेक करते हैं, ए में क्या है मेरा 5 है, सी में क्या है 11 है, तो इसको हम लोग चेक करते हैं कि कौन ग्रेटर है ना, कौन इसमें से बड़ा है। तो क्या करते हैं, सी सी ग्रेटर देन ए, है ना, चेक करते हैं सी ग्रेटर देन ए है, तो इसका मतलब इस दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन हो गया, 11। अगर ये ट्रू होता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि हाँ तब मेरा जो सबसे बड़ा नंबर हुआ इस दो में, ए और बी में, तो बड़ा नंबर कौन हो गया मेरा, 11 हो गया, है ना। अब फिर वापस से क्या, अब ए को भूल जाते हैं क्योंकि ए को तो हमने चेक कर लिया, तो ए तो छोटा ही है, तो अब फिर ए सी में 11 आ गया, मतलब सी मेरा बड़ा नंबर है। तो अब फिर हम क्या करते हैं कि अब सी को ही बी से चेक करते हैं, सी को बी से चेक करते हैं, सी इक्वल टू मेरा क्या था 11, फिर बी इक्वल टू क्या है 2, फिर इस दोनों में हम लोग चेक करते हैं कि इसमें से कौन सा बड़ा नंबर है, तो सी ग्रेटर देन बी। अगर ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है, इसका मतलब क्या हुआ, सी ही बड़ा होगा, है ना। अगर ये फॉल्स हो जाता है, इसका मतलब बी बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी ग्रेटर हो जाएगा अगर फॉल्स होता है तो। अब जैसे मान लो अगर एक और नंबर हमें, जैसे अब ये तो हो गया कि ग्रेटर था, अब मान लो स्मॉलर पता करना होता, तो स्मॉलर के केस में क्या होता कि हम लोग वही चीज करते कि पहले किसी दो नंबर को, किसी भी दो, जरूरी नहीं कि ए को करो सी से या ए को करो बी से या बी से करो सी से, किसी भी दो नंबर को कंपेयर करो, है ना। मान लो मैं ए और बी को कंपेयर करता हूँ, ए ग्रेटर देन बी है, क्या ए ग्रेटर देन बी है, हाँ है, तो इसका मतलब बी क्या हुआ, छोटा हुआ, अगर स्मॉलर निकालना है तो, है ना, स्मॉलर पता करना है, तो ए एंड बी में चेक किया, क्या ए ग्रेटर देन बी है, तो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स। तो मान लो ये होता है फॉल्स, ये हो जाता है फॉल्स, तो फॉल्स होगा तो क्या होगा, इसका मतलब हो गया मेरा बी क्या है, इसमें छोटा है, तो बी छोटा है तो बी और सी को फिर कंपेयर कर दो, बी और सी को कंपेयर कर दो, बी एंड सी में फिर देखो क्या बी ग्रेटर देन सी है, बी मेरा सी से बड़ा है, तो बी में क्या है 2 है, सी में क्या 11 है, तो नहीं 2 बड़ा नहीं है सी से, इसका मतलब 2 क्या हुआ, छोटा है, तो सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इस तरह से करके हम लोग उसको चेक करते हैं। अगर इसी चीज को मैं प्रोग्राम में लिखूं, तो सबसे पहले यूजर से इनपुट कराते हैं, है ना, ए इक्वल टू यूजर को बोलते हैं इंट इनपुट, और यूजर से इनपुट कराते हैं, मान लो इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर क्या, जिसको हम लोग ए में स्टोर करेंगे। फिर सेम हम लोग यूजर्स को क्या कहते हैं कि इंटर सेकेंड नंबर, इंटर थर्ड नंबर, तो इंटर करते हैं सेकेंड नंबर, और यहाँ कर देते हैं थर्ड नंबर, थर्ड नंबर वेरिएबल चेंज कर देते हैं, है ना, इसको कर देते हैं सी और इसको कर देते हैं बी। अब यूजर ने इनपुट किया ए बी सी, यूजर से इनपुट लिया, तो सबसे पहले क्या, किसी भी दो नंबर को चेक करना है ना। ये प्रोग्राम हम लोग लिख रहे हैं मैक्सिमम नंबर के लिए, है ना, क्या लिख रहे हैं, कैलकुलेट द, कैलकुलेट मैक्स मैक्सिमम ऑफ 3, 3 नंबर, 3 नंबर का हम लोग कैलकुलेट द मैक्सिमम ऑफ 3। अब यहाँ पे हम लोग किसी दो नंबर को कंपेयर करेंगे, फिर उसमें से जो आएगा वो, ठीक है। तो एस मान लेते हैं कि ए बी सी है, तो हम मान लेते हैं क्या कि जो मेरा मैक्सिमम नंबर है ना, मैक्स नंबर जो है मेरा वो है ए, हम मान लेते हैं कि यूजर जो भी इनपुट करेगा ना, तो ए में जो इनपुट करेगा वो मेरा मैक्सिमम नंबर है, या फिर वो नहीं करके हम लोग सिंपल सा करते हैं नॉर्मल इफ, इफ अगर करते हैं यूजर ने इनपुट किया, हम यहाँ चेक करते हैं, इफ ए ग्रेटर देन सी है, ए ग्रेटर देन सी है, ए ग्रेटर देन सी है, इसका मतलब यहाँ क्या हुआ, ए ए जो है वो अभी हमारा ए और सी में ग्रेटर हुआ, या फिर यहाँ पे अगर बी कर देते हैं तो ए और बी में सबसे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, बी होगा, ए हो जाएगा, है ना, यहाँ पे ए ग्रेटर, तो ए मेरा क्या होगा, ग्रेटर नंबर हो गया।
तो अगर ए ग्रेटर है तो फिर हम क्या चेक करेंगे, क्या ए और सी ग्रेटर है, ए और सी में फिर चेक करेंगे कि उसमें कौन सा ग्रेटर है। तो फिर हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं इफ, फिर वापस से इफ ए ग्रेटर देन सी। अगर ए बी से भी बड़ा है, ए सी से भी बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा ए जो है वो ग्रेटर नंबर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसको सिंपल सा प्रिंट कर सकते हैं, द मैक्सिमम नंबर इज, जो मेरा मैक्सिमम नंबर है मतलब ए। अगर ए बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है, यहाँ चेक किया ना, यहाँ पे चेक किया, ए अगर सी से बड़ा है तो ठीक है, और नहीं तो ए छोटा भी हो सकता है, तो ए छोटा होगा तो एल्स, यहाँ पे फिर देखो यहाँ पे कर देते एल्स, और एल्स हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट करते हैं अभी। ठीक है, द मैक्सिमम नंबर इज, मान लो यहाँ क्या हो जाएगा सी, लेकिन ये तो हो गया कि ए ग्रेटर देन बी था, तो हमने मान लिया कि हाँ ए जो है ग्रेटर देन सी होगा तो मेरा ए ग्रेटर होगा, और नहीं तो मेरा सी ग्रेटर होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ए जो पहला कंडीशन यहाँ दिया था ए ग्रेटर देन बी, अगर यही नहीं होता इसका मतलब तो बी ग्रेटर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एल्स बी ग्रेटर है। तो बी ग्रेटर है तो फिर जब एल्स में आएंगे तो फिर बी जब ग्रेटर है तो फिर हमको यहाँ पे चेक करना होगा कि बी सी से तो बड़ा नहीं है, चेक बी ग्रेटर देन सी। तो फिर हम लोग फिर ये चेक करेंगे कि हमारा बी जो है वो ग्रेटर देन सी है कि नहीं, अगर है तो फिर क्या हो जाएगा, मेरा बी जो है वो ग्रेटर हो जाएगा, द मैक्सिमम नंबर इज बी, क्या हो जाएगा बी। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे हम करते कि नहीं बी ग्रेटर देन सी नहीं हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इज ग्रेटर सी, एल्स क्या हो जाएगा सी इज ग्रेटर। तो इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, वापस से लिखना नहीं है ना, सी क्या हुआ सी ग्रेटर हो गया। अब देखो क्या लिखा हमने, अगर इसी को मैं उसमें अगर फ्लो चार्ट में देखो, फ्लो चार्ट में ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा, अगर इनपुट किया है ना, इनपुट किया यूजर से और यूजर ने दिया ए इक्वल टू कुछ भी दिया, तो ए इक्वल टू हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि ए जो है, ए जो है वो ग्रेटर देन बी है, तो दो ही केस होगा ट्रू या फिर फॉल्स, तो मानते हैं ट्रू फॉल्स या फिर फॉल्स, दो केस होगा ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ट्रू हो गया, इसका मतलब यहाँ मुझे जब ट्रू आएगा तो समझ में क्या आ जाएगा कि ए जो है अब मेरे पास जो नंबर है ए है वो ग्रेटर है, तो फिर हम ए है ग्रेटर है तो उसको फिर हम चेक करेंगे, सी के साथ कंपेयर करेंगे जो थर्ड वेरिएबल है थर्ड नंबर है, तो फिर यहाँ चेक करते हैं ए ग्रेटर देन सी, अगर ये ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, दो ही केस होगा ट्रू, अगर ये ट्रू है ना, और फिर ये भी ट्रू हो जाता है तो इसका मतलब तो ए ही बड़ा हुआ है ना, तो ग्रेटर नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ग्रेटर नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ए इज मैक्सिमम नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो ए तो बी से बड़ा हुआ है लेकिन ए जो है वो सी से बड़ा नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, फॉल्स में अगर आता है तो फॉल्स में आएगा तो मेरा क्या होगा सी ही, सी जो है वो ग्रेटर नंबर हो जाएगा, हाईएस्ट मैक्सिमम नंबर। अगर मान लो यहाँ फर्स्ट वाले केस में ट्रू हुआ तो ये चीज हुआ, अगर ये फॉल्स हो जाता है ए ग्रेटर देन बी, तो इसका मतलब क्या है बी ग्रेटर नंबर हुआ, तो बी जब ग्रेटर नंबर हुआ तो फॉल्स में आएगा, तो फिर यहाँ हम बी से कंपेयर करेंगे सी को, बी एंड सी को कंपेयर करेंगे और यहाँ चेक करेंगे, तो यहाँ भी क्या दो कंडीशन होगा, या तो मेरा फॉल्स होगा या फिर ट्रू होगा, अगर ट्रू होता है इसका मतलब बी ग्रेटर है, लेकिन अगर फॉल्स हो जाता है तो इसका मतलब
सी ग्रेटर है। तो देखो ये क्या हुआ, ये एक इफ कंडीशन हो गया, फिर इफ का ट्रू होता है तो फिर ये भी क्या है, एक इफ कंडीशन है, और फिर इसका ट्रू होता है तो फिर क्या है, ये है आउटपुट ए ग्रेटर। तो देखो पहला इफ का ट्रू, ट्रू में फिर वापस से इफ ए ग्रेटर देन सी ट्रू तो मेरा ए है। प्रोग्राम में देखो ए ग्रेटर देन सी, ए ग्रेटर देन बी फर्स्ट वाला, अगर वो ग्रेटर तो फिर हम लोग ट्रू से फिर वापस से ट्रू में आते हैं, फिर चेक करते हैं तो मैक्सिमम नंबर क्या हो गया, ए हो गया। अगर मान लो यहाँ अगर ये फॉल्स हो जाता है तो मैक्सिमम नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इसके फॉल्स में हमने लिखा है मैक्सिमम नंबर सी। अब ये पार्ट हो गया इधर इतना जो हमने यहाँ लिखा था इफ के ट्रू में, है ना, ये इफ का ट्रू हुआ तो ये इसके अंदर इफ एल्स हुआ। अब मान लो जो मेरा एल्स है, एल्स में अगर जाते हैं तो एल्स में क्या है, बी ग्रेटर देन सी। अब इधर आते हैं तो एल्स में क्या चेक कर रहे हैं, बी ग्रेटर देन सी, और इसका भी क्या है, दो पार्ट है, ट्रू या फॉल्स। तो ट्रू के केस में क्या होगा, बी ग्रेटर होगा, तो बी ग्रेटर देन सी, तो ट्रू के केस में क्या होगा, बी ग्रेटर देन, बी ग्रेटर नंबर हो जाएगा, और नहीं तो हमारा सी जो होगा वो ग्रेटर नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग करके प्रोग्राम में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब चलो इसको रन करके देखते हैं। तो इस फाइल का नाम रखा है मैंने पाइथन, और फाइल का नाम रखा है मैक्स, तो ये इफ एल्स, और मैक्स फाइल के अंदर रखा है इंटर फर्स्ट नंबर। मान लो मैं फर्स्ट नंबर देता हूँ 4, सेकेंड नंबर देता हूँ 5, और थर्ड नंबर देता हूँ 2, ठीक है। तो क्या है मैक्सिमम नंबर कौन सा हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अगर मैं वापस से इसको रन करता हूँ, 2, वापस से 2, और वापस से करता हूँ 6, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर क्या हुआ, 6 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से करके हम लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो सब नंबर हम लोग इक्वल कर देते हैं, इंटर 2 2 2, तो मैक्सिमम नंबर क्या हुआ, 2 हो गया, है ना। तो इस तरह से करके हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब देखो अब यहाँ पे ना थोड़ा सा ये प्रोग्राम जैसे इतना लंबा हो गया, तो आप क्या करते हैं प्रोग्राम को ओके थोड़ा और छोटा करते हैं, ठीक है। कैसे वो देखो, अगर देखो यहाँ पे ए कब ग्रेटर हो रहा है, फ्लो चार्ट में देखते हैं। देखो फ्लो चार्ट में क्या था कि ये पार्ट मतलब ये ट्रू और फिर ये ट्रू, मतलब दो कंडीशन ये लगातार अगर ट्रू है तो मेरा क्या होगा, ए होगा। तो यहाँ पे जो ये कंडीशन मैंने यहाँ जो लिखा है, अगर मैं इसको यहाँ से उठाकर, है ना, यहाँ से कट करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं एंड ऑपरेटर यूज करके और उसको लिखते हैं और इसको हटाते हैं, ठीक है। कि अगर ये दोनों मेरा अगर ट्रू है, मतलब ए ग्रेटर देन बी है एंड ए ग्रेटर देन सी है, तो क्या करो, तो कर दो प्रिंट ए है ग्रेटर देन, एल्स इसको भी हटा देते हैं। अगर ये दोनों ट्रू है, ठीक है, तो ये दोनों जब ट्रू है ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, तो मेरा क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो ये क्या कर दो, प्रिंट ए है, ए इज ग्रेटर। अगर इसमें से फॉल्स हो जाता है, इसमें से फॉल्स होता है मींस या और कोई एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, या तो ए ग्रेटर देन बी नहीं होगा या फिर ए ग्रेटर देन सी नहीं होगा, तो फिर हम यहाँ देखो, अगर फिर यहाँ से अगर देखो, अगर इस चीज को आते हैं, अगर ये चीज होता है ना, फॉल्स के केस में अगर ये आता है ए ग्रेटर देन बी फॉल्स और बी ग्रेटर देन सी, अगर ये दोनों अगर चीज होता है ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन सी, तो क्या आता है मेरा, बी ग्रेटर होगा, ठीक है। तो उसी कंडीशन को लिखते हैं यहाँ पे, क्या करते हैं कि अगर ये आया तो ये फिर हमारा क्या हो जाता है, नेस्टेड हो जाता है ना, एल्स इफ, है ना, एल्स इफ में फिर यहाँ पे हम कंडीशन की ए ग्रेटर देन बी है एंड बी ग्रेटर देन सी है, ए ग्रेटर देन बी है, यहाँ देखो
ए ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है, मतलब मान के चलते कि ये कंडीशन मेरा फॉल्स होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन जब फॉल्स होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए ग्रेटर देन बी, इसका मतलब ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, है ना, ए ग्रेटर देन बी, कि ए जो है वो मेरा बी से ग्रेटर है एंड बी जो है वो ग्रेटर देन सी है। तो इस केस में मेरा क्या होगा, देखो ए ग्रेटर देन बी है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया मीन्स बी मेरा ग्रेटर है, और यहाँ आके मैं चेक करता हूँ क्या बी ग्रेटर देन सी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखो, अगर मेरा ए ग्रेटर देन बी है एंड बी ग्रेटर देन सी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है वो ग्रेटर होगा। पूछो कैसे, देखो बी में जो वैल्यू होगा वो सी से बड़ा है, इसका मतलब मेरा बी वैल्यू यहाँ ग्रेटर है और यहाँ ए वैल्यू ग्रेटर है। तो ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, इसका मतलब जो मेरा मैक्सिमम नंबर होगा वो भी क्या होगा, वो ए है। तो एक तो लॉजिक ये होता है कि जैसे यहाँ जो कंडीशन मैंने लिखा है, सेम कंडीशन हम लोग चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन अब मेरा जैसे हो गया ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, तो दोनों केस में क्या हुआ कि मेरा ए ग्रेटर हो गया। अब मान के चलते कि ये जो फर्स्ट वाला था ए, ये फॉल्स होता है, तो अब यहाँ पे चेक कर लो बी ग्रेटर देन सी, कि बी जो है वो ग्रेटर देन सी है एंड बी ग्रेटर देन ए है। तो एक लॉजिक ये लगा सकते हो कि तुम्हारा बी ग्रेटर देन सी है और बी ग्रेटर देन ए है, तो इसका मतलब क्या होगा ए बी जो है वो मेरा मैक्स होगा, बी क्या होगा मैक्स होगा। अगर फिर सेम अगर आप चाहो तो इसको फिर वापस यहाँ पे बी कर देता हूँ क्योंकि बी ग्रेटर होगा। अब अगर फिर वापस से चेक करता हूँ यहाँ पे क्या करते हैं कि सी ग्रेटर देन ए एंड सी ग्रेटर देन बी, तो इस केस में मेरा क्या होगा कि जो वेरिएबल है मेरा वो क्या होगा सी जो है वो ग्रेटर होगा। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ एल्स, क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया है इफ एल्स इफ एल्स इफ, तो इसका फिर हम लोग को क्या करना होगा क्लोजिंग करना होगा। देखो अगर मैं इसको यहीं पे अगर रन कर देता हूँ, देखो तो इंटर फर्स्ट नंबर, मान लो मैं एक नंबर देता हूँ 5, दूसरा नंबर देता हूँ 8 एंड तीसरा नंबर देता हूँ 7, तो द मैक्सिमम नंबर इज 8। वापस से रन करते हैं, और अगर मैं देता हूँ मान लो 4, 2 एंड 2, तो मैक्सिमम नंबर इज 4। अगर वापस से मैं कुछ और रन करता हूँ 1, 2, 1 करता हूँ, तो मैक्सिमम नंबर 2। तो इस तरह से आप एक ही प्रोग्राम को मल्टीपल लॉजिक में लिख सकते हो। और थोड़ा अगर चेंज करना है, देखो क्या करते हैं, मान लेते हैं एंड ऑपरेटर हमने यूज कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं हम लोग कि जो भी नंबर इनपुट कर रहा है ना यूजर, तो हम लोग मान लेते हैं कि मैक्स नंबर जो है, मैक्स नंबर ए जो है ना वही सबसे मैक्सिमम है, ए मैक्सिमम। तो अब हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे बी ग्रेटर देन मैक्स, बी ग्रेटर देन मैक्स है, अगर है तो क्या कर दो प्रिंट बी ग्रेटर देन मैक्स है, तो हम मान लेते हैं क्या कि जो हमारा अब मैक्स नंबर है वो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। और अगर इफ सी ग्रेटर देन मैक्स है, मैक्स नंबर अगर ये है तो क्या हो जाएगा मैक्स नंबर इक्वल टू, मैक्स नंबर में हम डाल देते हैं सी, और यहाँ देखो मैक्स नंबर में डाल दिया सी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम आके बाहर प्रिंट करते हैं प्रिंट और मैक्स नंबर है
जो है वो क्या है, मैक्स वेरिएबल, ठीक है, मैक्स क्या कर दिया, मैक्स नंबर कर दिया। तो अब देखो क्या किया, मान के चल रहा हूँ कि जो नंबर इनपुट किया है, 3 नंबर यूजर दे रहा है, तो सबसे पहले मान लेते हैं पहला नंबर जो है तो वही मैक्सिमम है। जैसे दूसरा नंबर यूजर देगा तो फिर हम उसमें चेक करें कि उस दोनों में बड़ा कौन है, ए और बी में ग्रेटर नंबर कौन है। तो मान लेते हैं कि यूजर ने, जैसे यहाँ पे एक फ्लो चार्ट में देखते हैं, जैसे क्योंकि लॉजिक कभी भी बिल्ड करने, एक ही प्रोग्राम को मल्टीपल लॉजिक में बनाओगे तब जाके और ज्यादा मतलब तुम्हारा लॉजिक क्लियर होगा, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे सिंपल सा लिया है कि 3 वेरिएबल है, मान लो यूजर ने इनपुट किया 2, तो अभी हम, मेरे पास कुछ नहीं, यूजर ने 2 दिया तो मान लेते हैं कि यही मेरा क्या है, अभी मैक्सिमम नंबर है, अभी कोई नंबर नहीं तो यही है मैक्सिमम मैक्स नंबर है। अब यूजर को बोलते हैं कि दूसरा नंबर दो, मान लो यूजर ने दिया 5, तो फिर अभी इस दोनों को चेक कर लो, इस दोनों को चेक किया, अच्छा तो ये ग्रेटर है, तो इसका मतलब मैक्स नंबर अब क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। अब मेरा मैक्स नंबर क्या हो गया, 5 हो गया। फिर यूजर से इनपुट कराया, पहले मेरा मैक्स नंबर 2 था, लेकिन दूसरा नंबर जब चेक किया तो मेरा मैक्स नंबर हो गया 5। फिर अब मेरे पास एक लास्ट नंबर आता है, यूजर ने इनपुट किया कि 2, तो फिर वापस से मैं क्या कर रहा हूँ कि मैक्स नंबर में जो मेरा वैल्यू है तो मैक्स क्या है, 5, तो क्या मैक्स इससे ग्रेटर है, नहीं है, इसका मतलब मैक्स मेरा जैसे था वैसे ही रह जाएगा, मैं मैक्स में कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो वही चीज हमने यहाँ किया, यहाँ क्या किया कि पहले चेक करते कि मैक्स में जो वैल्यू है वही मेरा मैक्सिमम है, फिर उसके बाद हम लोग दूसरे नंबर से चेक करते हैं, अगर उस दोनों में जो बड़ा है तो वो मैक्स हो जाता है। जैसे एक दूसरा केस अगर इसी में देखो कि अगर यूजर यूजर अगर इनपुट करता है, फर्स्ट टाइम में इनपुट किया उसने मान लो 10, तो मेरा मैक्स नंबर क्या है, 10 है, मैं लेता हूं कि मैक्स नंबर क्या है, 10 है। अब यूजर ने क्या किया, वापस से इनपुट किया 2, तो 2 और 5, 2 और 10 में मैक्स कौन सा है, तो यही है ना। तो मैक्स जब यही, तो यहां तो चेंज करने का कोई जो था ही नहीं, चेंज कब करेंगे, अगर जो नया ये नंबर आ रहा है जिस नंबर से हम कंपेयर कर रहे हैं अगर वो पहले वाले मैक्स से ज्यादा है तब मेरा मैक्स का वैल्यू चेंज होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो मेरा मैक्स का वैल्यू क्या रह जाएगा, 10 ही रहेगा। फिर तीसरा नंबर मान लो यूजर ने डाला 17, तो अब मैं चेक करूंगा, अच्छा नहीं, अब जो नया नंबर आया वो इस नंबर से बड़ा है, तो इसका मतलब मैक्स नंबर मेरा फिर क्या होगा, चेंज हो जाएगा, चेंज होके 17 होगा। तो यही लॉजिक हमने यहाँ लिखा हुआ है, इस तरह से करके हम लोग कर सकते हैं। देखो इसको अगर रन करते हैं, देखो यूजर से इनपुट करते हैं, मान लो 45 उसने इनपुट किया, दूसरा नंबर हम उसको बोलते हैं 78, तो अब वो आए चेक करेगा, चेक कर लेगा यहाँ पे, ठीक है, कि ये कंडीशन आएगा, फिर उस हिसाब से उसको अपडेट कर देगा। मान लो मैं तीसरा नंबर देता हूँ 12, तो मेरा मैक्स नंबर क्या हुआ, 78 हुआ। कैसे, देखो 45 जब इनपुट हुआ तो 45 मैक्स में मेरा क्या आ गया, 45 आ गया। मैक्स इक्वल टू यहाँ क्या हो गया, मैक्स इनपुट क्या हो गया, मैक्स नंबर हो गया मेरा, मैक्स नंबर इक्वल टू हो गया 45। अब मैंने बी में उसमें इनपुट किया 78, तो यहाँ पे चेक करेगा कि 78, यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे चेक कर रहा है 78 ग्रेटर देन मैक्स नंबर क्या है, 45, 45, 78 ग्रेटर देन 45 है, हाँ है, तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा तो कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे जैसे आएगा तो क्या करेगा, एस, और मैक्स इक्वल टू हमारा अब यहाँ पे क्या होगा, चेंज हो जाएगा, मैक्स नंबर में हमने क्या डाल दिया, जो बी में वैल्यू है उसको डाल दो, तो बी में क्या है, 78। तो अब इसके बाद कहीं भी अगर हम मैक्स नंबर यूज करेंगे नीचे, तो मैक्स का नया वैल्यू क्या हो गया, 78, क्योंकि हमने इसको अपडेट कर दिया, ओवरराइट कर दिया उस वैल्यू को, तो मैक्स में मेरा क्या हो गया, 78। तो अब वापस से फिर यहाँ आया, तो यहाँ आया तो यहाँ फिर चेक कर रहा है वो सी, सी में हमने क्या दिया, 12, तो यहाँ पे फिर क्या चेक कर रहा है, वो चेक कर रहा है कि 12 ग्रेटर देन मैक्स नंबर, मैक्स नंबर मेरा क्या है, 78। तो क्या 12 ग्रेटर देन 78 है, नहीं है, तो नहीं है तो नहीं है, तो कुछ इसमें ये वाला काम तो करेगा ही नहीं, क्योंकि एल्स का तो हमने लिखा ही नहीं है, एल्स में जाएगा भी नहीं क्योंकि एल्स है नहीं, तो ये काम भी नहीं करेगा, तो मैक्स में क्या रह गया, तो ये काम हुआ ही, तो मैक्स में जो लास्ट स्टोरेज वैल्यू क्या है, 78, तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर दिया,
78। तो इस तरह से एक ही प्रोग्राम को हम लोग मल्टीपल लैंग्वेज मतलब मल्टीपल लॉजिक्स में लिख सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपका लॉजिक बिल्ड होता जाता है। तो इसी तरह से और भी प्रोग्राम्स है जैसे आप बना सकते हैं, कि जैसे एक लीप ईयर का प्रोग्राम होता है जो कॉमनली प्रैक्टिस में आता है। तो जैसे एक नया फाइल बनाते हैं इसी में, और यहाँ पे करते हैं leap year.py। तो लीप ईयर क्या होता है कि लीप ईयर हम लोग यही करते हैं कि लीप ईयर जो होता है वो कैसे डिटरमाइन करते हैं, कि उसको हम लोग चेक करते हैं कि वो हमारा 4 से डिविजिबल होता है कि नहीं होता है। ठीक है, कोई भी लीप ईयर जो होता है उसको हम लोग क्या करना पड़ता है। लीप ईयर आप कैसे कहते हो कि वो लीप ईयर है, कि लीप ईयर जो है वो डिवाइडेड बाई 4 होता है, ये चेक करते हैं, है ना। और 100 से डिवाइड करने पे वो 0 ना आए, है ना। 100 से जब डिवाइड करें तो वो 0 ना आए, ये भी होता है। और फिर जो है इस तरह से हम लोग फिर, या अगर 400 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो 0 आ जाए। तो ये चीज़ हम लोग चेक करते हैं कि लीप ईयर होता है तो वो क्या होता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यूजर से क्या करो, यहाँ पे लिखते हैं हैश लीप ईयर। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यूजर से क्या करते हैं, इनपुट कराते हैं, ईयर इनपुट कराते हैं। ठीक है, इंट इनपुट, और यहाँ पे यूजर से क्या करते हैं, तो उसको बोलते हैं कि इंटर ए ईयर, इंटर ए ईयर। यूजर से क्या बोलते हैं कि इंटर करो, ईयर इंटर करो। तो यूजर इनपुट करेगा, उसको ईयर में हमने सेव कर लिया, है ना। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं इफ इफ जो है मेरा वो क्या चेक करते हैं, कि सबसे पहले चेक करते हैं कि ईयर जो ईयर में जो वैल्यू आया है वो, तो अगर 4 से उसमें डिवाइड करते हैं तो क्या आना चाहिए, वो 0 आना चाहिए। एंड जो एंड ऑपरेटर है, और क्या आना चाहिए, ईयर परसेंट, अगर 100 से डिवाइड करते हैं तो वो 0 नहीं होना चाहिए। ये लीप ईयर का हम लोग चेक कर रहे हैं एक तो ये, या फिर सिंपली और देखो और भी यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ, है ना। तो और अगर यूज करते, या फिर ईयर डिवाइडेड बाई मॉड्यूलस 400, अगर ये करते हैं 0, अगर ऐसा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट जो यूजर ने ईयर दिया है ईयर जो ईयर दिया है इजे लीप ईयर, इस तरह से करके हम लोग कर सकते, नहीं तो एल्स एल्स जो ईयर है वो ईयर लीप ईयर नहीं होगा, इज नॉट ए लीप ईयर। तो इस तरह से अगर मान लो इस प्रोग्राम को रन करते हैं, और मैंने फाइल का नाम दिया है लीप ईयर डॉट पी वाई, तो यूजर से कह रहा है इनपुट लीप ईयर, है ना। तो मान लो मैं लीप ईयर देता हूँ 2000, 2000 इज ए लीप ईयर। अगर मैं मान लो इसमें इनपुट करता हूँ और 2001 करता हूँ तो क्या होगा, इज नॉट ए लीप ईयर, क्योंकि वो कंडीशन चेक करेगा। अगर मैं मान लो ये देता हूँ, ठीक है, तो ये क्या है, ये इज ए लीप ईयर। हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है ना, तो उस तरह से करके वो उसको कंपेयर करेगा। और फिर यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे देखो दोनों कंडीशन चेक हो गया, ये एंड मींस ये दोनों जब ट्रू होगा, ये दोनों ट्रू होगा मींस ईयर डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, मॉड्यूलस 0 आना चाहिए, और वो 100 से जब कर रहे हैं तो वो 0 नहीं होना चाहिए, ये दोनों होगा तो वो लीप ईयर होगा। या फिर ईयर डिवाइडेड बाई मॉड्यूलस 100, अगर वो करते हैं 0 आता है तो भी क्या होगा, लीप ईयर होगा। तो इस तरह से करके हमारा इफ एल्स में ही नेस्टेड इफ भी देख लिया था, ये मल्टीपल ऑपरेटर मतलब आप यूज कर सकते हो, और कंपैरिजन ऑपरेटर अलग से यूज कर सकते हो। तो एंड भी कर लिया, मतलब यहाँ से यहाँ तक का एक स्टेट होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक का एक होगा। इस दोनों में एंड है,
कि अगर दोनों ट्रू है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, अगर दोनों ट्रू है तो क्या होगा, इस दोनों ट्रू है तो इसका वैल्यू 1 होगा, फिर उसके बाद ये ट्रू है या ये फॉल्स है ना, अगर ये फॉल्स है लेकिन ये ट्रू है तो यहाँ पे तो और ऑपरेटर है, तो और ऑपरेटर में क्या होता है, अगर कोई एक भी अगर ट्रू है तो वो ट्रू, मीन्स अगर ये भी केस अगर हो जाता है तो क्या होगा, वो ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह से करके हम लोग मल्टीपल ऑपरेटर यूज करके प्रोग्राम हम लोग अपना बना सकते हैं। इस तरह से और भी सारा प्रोग्राम आएगा, जैसे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस के लिए आप जैसे मान लो एक तो प्रोग्राम ये है कि जैसे ग्रेड निकालना है ना, ग्रेड कैलकुलेटर, जो मैंने पहले भी आप लोग को एक एग्जांपल में बताया था, ग्रेड कैलकुलेटर का प्रोग्राम बना सकते हो है ना, कि इसमें से ग्रेड कैलकुलेटर का बना सकते हो है ना, फिर उसके बाद सिंपल कैलकुलेटर भी बना सकते हो कि यूजर से इनपुट लो है ना, सिंपल कैलकुलेटर भी बना सकते हैं ना, यूजर से इनपुट लो कि हाँ तुम नंबर इनपुट करो और फिर उससे ऑपरेटर लो कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन क्या करना है ना, ग्रेड कैलकुलेटर या सिंपल कैलकुलेटर बना सकते हो, यूजर से आप पूछ सकते हो कि हाँ तुम इनपुट करो, जैसे कैलकुलेटर का अगर बनाते हैं सिंपल सा कैलकुलेटर।